ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम जयंती योगना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जय माता दी मित्रों, एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज हम बात करेंगे सिंह राशि का सितंबर की मासिक राशिफल के बारे में चर्चा करेंगे, कैसा उनके होगी उनकी स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, उनके संतान की स्थिति, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की स्थिति, उनकी नौकरी में क्या हाल होगा और साथ ही साथ व्यापार में क्या स्टेप लेना चाहिए, व्यापार की स्थिति क्या होगी, इसके बारे में डिटेल में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं मित्रों कि जो सिंह राशि वाले जातक और जातिकाएँ, क्योंकि 7210124289 पे आप मुझे कॉल करते रहते हैं और आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता रहता है, आप अपनी डिटेल मुझे देते हैं, कुंडली मुझे दिखाते हैं, तो अधिकतर लोगों में मैंने सिंह राशि में पाया कि अगस्त के महीने में उनके साथ में मुख्य कुछ घटनाएं हुई, वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों का कहीं ना कहीं पार्टी या फंक्शन के योग घर के अंदर बने या परिवार के अंदर बने। दूसरा, अगस्त के महीने के अंदर यात्रा के योग बने। तीसरा, अगस्त के महीने के अंदर स्थान परिवर्तन हुआ, या तो ऑफिस में स्थान परिवर्तन हुआ या घर में बेड चेंज किया या घर का स्थान परिवर्तन किया, कुछ ना कुछ सिंह राशि वालों का योग बना है। साथ ही साथ अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों को धन तो मिला लेकिन धन आया और गया, क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा थे तो उनमें चला गया। साथ ही साथ अगस्त के महीने में नेत्र की, बाल की, त्वचा संबंधी परेशानियां में सिंह राशि वालों को ज़्यादा रही। अब बात कर लेते हैं सितंबर के राशिफल के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य भाव में सूर्य और बुध आदित्य योग में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में आप योग और ध्यान करने वाले हैं, अपनी बॉडी को बिल्कुल फिट करने वाले हैं, फिट एंड फाइन करने वाले हैं। पहला चीज़ है, आत्मविश्वास भी बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन थोड़ा सा नींद की समस्या आपको सितंबर के महीने में दिखेगी। 16 तारीख के बाद से आपको दिखेगी, जब सूर्य कन्या राशि में जाएंगे तब थोड़ा सा नींद की प्रॉब्लम होगी। आप प्राणायाम, ध्यान, योगा अगर आप करेंगे तो उससे काफ़ी कंट्रोल होगा। साथ ही साथ धन की स्थिति की बात करें तो धन के स्वामी तो बुध हैं और बुध के साथ में, बुध केंद्र भाव में बैठे हैं, बुध आदित्य योग के साथ में बैठे हैं, तो महाराज सिंह राशि वाले जातक और जातिकाएं तीन जगह से धन की प्राप्ति आपको कम से कम होने के योग बन रहे हैं। पहला, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट या FD से आपको धन का प्राप्त होगा, परिवार से भी आपको कोई गिफ्ट मिलेगा धन के रूप में या कोई ना कोई चीज़ मिलेगी आपको परिवार से। तीसरा, आपका जो रुका हुआ धन है, जो पैसे अटक गए हैं, वो आपको मिलेंगे। तो तीन जगह से धन, क्योंकि कुंडली के अनुसार बहुत अच्छा बुध आदित्य योग, धन योग आपकी कुंडली में सितंबर के महीने में बन रहा है। साथ ही साथ परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव के स्वामी मंगल, और मंगल नवम भाव में बैठे हैं और नवम भाव से उनकी सप्तम और अष्टम दृष्टि से, सप्तम क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है मित्रों, तो अष्टम दृष्टि से वो कहीं ना कहीं अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भूमि निर्माण का योग बना देंगे या भूमि से संबंधित काम का योग बना देंगे। हाँ, क्योंकि मंगल जो है माता के लिए खराब होता है, तो माता को BP की प्रॉब्लम, दर्द की समस्या ज़्यादा रहेगी सितंबर के महीने में। हो सकता है आपको डॉक्टर की विजिट भी कराने पड़ जाए, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव यानी अष्टम दृष्टि जो है मातृभाव में पड़ रही है। साथ ही साथ बड़े भाई से आपकी बहस हो सकती है किसी टॉपिक को लेकर, और संतान से बहस हो सकती है, ये सितंबर के महीने में मंगल के कारण होगा। जय माता दी देवेंद्र जी। जय माता दी जी। देवेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए जी, हैं जी जी, तो क्या आपका अनुभव है, आप कुछ बताएं। जी, हम गुरुजी से 12 साल हो गए उनसे जुड़े हुए, तो जब हम आए थे तब गुरुजी ने हमें जो जो उपाय बताए ये जी, चीज़ें करने के लिए, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो गए, तो हमने वो उपाय किए, तो उस वजह से हमारी सारे जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई। हम जो जो गुरुजी ने बोला वो सब चीज़ें सही होती गई, तो हम उनसे मिलते रहे बार बार ही, तो उन्होंने हमें उपाय बताते रहे कि इस अब आपके कुंडली में ये योग आएगा तो ये चीज़ होएगी, अब आपको आप पुत्र मिलेगा, अब आपको वाहन मिलेगा, अब आपका भूमि योग होएगा, और वो सब कुछ हुआ। मतलब कि जब मैं उनके पास आया तो मैं नौकरी करता था, तो उन्होंने कहा आप नौकरी नहीं करोगे, आप बिजनेस करोगे। आज की डेट में हम बिजनेस कर रहे हैं, और जितने नौकरी में कमाते थे उतना एक दिन में कमा लेते हैं बिजनेस में, तो ऐसा
अनुभव उनके साथ इतना अच्छा रहा है तो हम तो चाहते हैं कि हम उनसे मिलते रहें हमेशा ही, और वो हम अपना ज्ञान हमें देते रहें, हम उसका उपाय उनके जो देते हैं हम वो करते रहें और आगे ज़िंदगी में बढ़ते रहें। बिल्कुल, प्रगति इसीलिए प्रगति होती रहे। तो हम तो पंडित जी की छत्र छाया में पल रहे हैं। बढ़िया जी, अब बात कर लेते हैं संतान भाव की, बात कर लेते हैं। तो संतान के में तो बहुत अच्छे गुरु अपनी स्वराशि में बैठे हैं, हालांकि केतु के साथ में बैठे हैं, लेकिन गुरु अगर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए तो हंस योग का निर्माण करते हैं। तो हंस योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, खासकर ये संतान को अच्छा रिजल्ट देगा। संतान का मांगलिक कार्य अगर रुका हुआ है तो वो होने के सितंबर से योग बनते हैं। साथ ही साथ पैसे की परेशानी, जो संतान का जो काम में बाधा है, पैसे में बाधा है, रुका हुआ संतान का पैसा है, वो मिलना संतान को आरंभ हो जाएगा। लेकिन केतु साथ में बैठा है तो कोई ना कोई संतान का बुरा किया गया कृत्य, चोरी, झूठ भी पकड़ी जाएगी, इसलिए संतान को आपके द्वारा डांट भी मिलेगी, क्योंकि केतु भी साथ में बैठा है ना, तो इसलिए आपको डांट भी मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में, नौकरी के भाव के बारे में कि सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं की नौकरी कैसी रहेगी। तो नौकरी भाव में शनि बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं छठे भाव में शनि की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत शुभ नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इस वक्त शनि वक्री है तो जूनियर से आपकी बहस होगी, पहली चीज ये। और जूनियर की गलती का खामियाजा आपको ऑफिस में भुगतना पड़ेगा, यानी कि करेगा कोई, भरेगा कोई, यानी कि आपको डांट पड़ने के पूरे योग हैं। तो जूनियर को पे आपको अपने जो जूनियर हैं उन पर विशेष ध्यान रखना है, जूनियर के काम में विशेष ध्यान सितंबर में रखिए, नहीं तो गलती तो करेगा वो, लेकिन भरेंगे आप। तो बहुत बार ऐसा होगा कि हो सकता है आपकी नौकरी पे भी बन आए, तो ऐसे में आपको जूनियर का ध्यान देना है। 16 तारीख के बाद जब सूर्य जो है कन्या राशि में आएंगे तब स्थिति थोड़ी नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़, जो नई नौकरी तलाश रहे हैं, सोच रहे हैं कि पुरानी में तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना पद प्रमोशन हो रही है, ना पुरानी नौकरी के अंदर मेरे को धनी प्राप्त हो रहा है, तो अभी नई नौकरी के योग नहीं बन रहे महाराज, बनेंगे सितंबर के बाद बनेंगे। कारण क्या है कि शनि मार्गी होंगे सितंबर के अंदर ही, तब आपके नई नौकरी के योग बनेंगे। ये महीना आप धैर्य कर लीजिएगा, जल्दीबाजी में निर्णय नई नौकरी का मत लीजिएगा, बड़ा नुकसान होगा आपको, इसलिए नहीं कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य सुख के बारे में, प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के स्वामी भी शनि है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बात बात में आपकी मतभेदता प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में पड़ेगी। साथ ही साथ किसी से शत्रुता भी होगी आप लोगों की, तो ऐसा हो सकता है कि किसी से लड़ाई हो जाए, या हो सकता है आपकी प्रेमिका को या आपके प्रेमी को किसी दोस्त ने कुछ कह दिया, तो बाद में क्या हो गया कि आपकी उससे शत्रुता हो जाए, ऐसा योग आपका बन रहा है। बात कर लेते हैं पति पत्नी के बारे में। तो पति पत्नी का सितंबर का महीना सामान्य फलदायक है। हाँ, पार्टनर के नाम पर कोई सरकारी नोटिस, कोई दंड आपको छोटा मोटा भुगतना पड़ेगा, ऐसा आ रहा है। साथ ही साथ अब सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं के काम की स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। काम के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र व्यय भाव यानी खर्चे भाव में बैठे हैं, तो सितंबर का महीना खर्चे वाला महीना रहेगा, यानी कि आपको ज़्यादा खर्चा आपका होगा, लेकिन जितना आप खर्चा करोगे, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ही आपको लाभ भी होगा। दूसरी चीज़, अगर आपको अपना काम बढ़ाना है सितंबर के महीने में, तो थोड़ा सा आपको एडवर्टीजमेंट विज्ञापन का सहारा भी लेना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब आपका काम बढ़ सकता है, क्योंकि शुक्र आपके व्यय भाव में बैठा है, यानी कि खर्चा करोगे, कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना पकवान मीठा होगा, तो वो स्थिति आपकी कुंडली में लागू हो रही है। और कहीं ना कहीं 18 सितंबर के बाद आपको कोई व्यापार से रिलेटेड खुशखबरी, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कोई ना कोई काम की बढ़ोतरी होगी, तो इस तरह का आपको मिलने वाला है। यानी काम के लिए सिंह राशि वालों के जो व्यापार करते हैं उनके लिए सितंबर का महीना बहुत लर्नफुल रहेगा। तो मित्रों, ये था सिंह राशि वालों का सितंबर का राशिफल। इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए जय माता दी मित्रों।